नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के Q1 के नतीजों के बारे में। बात करेंगे स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। सारे जो आंकड़े वो करोड़ में है और सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो इस बार का जो क्वार्टर का आंकड़ा आ रहा है 6,860 करोड़ का आता दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 5,726 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ 5,700 करोड़ से बढ़कर 6,800 करोड़ के पार निकल रहा नंबर, और साल दर साल अगर देखें तो 4,633 करोड़ से बढ़ के 6,859 करोड़। तो बहुत ही शानदार जो नंबर है यहाँ पे पहले फेज पे देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम इस क्वार्टर में आ रही है 7,711 करोड़, जो लास्ट ईयर 5,774 करोड़ थी, और लास्ट क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं 7,013 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर अब बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रोविजनिंग की, जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पे नजर रखता है, तो इस क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग कंपनी ने की है वो है 1,190 करोड़ रुपए की, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 983 करोड़ की। यानी कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग के फ्रंट पे अगर आप देख रहे हैं तो बढ़ोतरी देखने मिल रही है, जो कि मार्केट पसंद नहीं करता। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखे तो 959 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, उसके मुकाबले भी प्रोविजनिंग जो है यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, तो 1,224 करोड़ का नेट प्रॉफिट का आंकड़ा जो है इस क्वार्टर में देखने मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,133 करोड़ था। यानी कि लगभग लगभग 90 करोड़ से प्रॉफिट जो है साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। साल दर साल देखेंगे तो 756 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 1,224 करोड़ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे नंबर अच्छा देखने मिल रहा है। ईपीएस के फ्रंट पे अगर हम बात करें, 1.14 रुपए की ईपीएस इस बार कंपनी ने क्लॉक की है, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 1.05 रुपए, और लास्ट ईयर थी 70 पैसे के आसपास। तो ईपीएस भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और इंपॉर्टेंट रेशियो जिसकी बात करते हैं, एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कितना आता हुआ दिख रहा है, तो ग्रॉस एनपीए जो है इस बार आता हुआ दिख रहा है 5% के आसपास का, 5.05, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे 6.38% से घट के 5% के आसपास आ रहा है, और लास्ट ईयर यह आंकड़ा 19.9 था। तो उसके मुकाबले अगर आप देख रहे हैं 5%, तो बहुत ही शानदार जो इंप्रूवमेंट है वो देखने मिल रही है। नेट एनपीए भी जो है 0.44% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं लास्ट क्वार्टर में बात करें तो 0.92% थी, और लास्ट ईयर 1.26% के आसपास का था। तो साल दर साल देखिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए में यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20.33 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि उसी रेंज में पिछले साल और पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देख रहे हैं 19.5 से 20% की रेंज में ही चलता हुआ दिख रहा था। तो जो नतीजे हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे खाली और खाली प्रोविजनिंग के नंबर पे तो थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें चार्ट्स पे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन ये स्टॉक जो है 58 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 59 रुपीज के आसपास का हाई लगाया, तो ऊपरी लेवल से थोड़ा स्टॉक करेक्ट डेफिनेटली होता हुआ दिखा है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में यहाँ पे भी एक बहुत शानदार रैली आती हुई दिखाई दी है। मार्च के मिड में स्टॉक कहीं ना कहीं 40 रुपए के आसपास था, वहां से बढ़ के 58-59 तक का लेवल इस स्टॉक ने दिखाया है। अब इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 60 का, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 60 रुपए का लेवल स्टॉक पार करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये एक नए लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऊपरी लेवल आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नीचे की तरफ अगर हम पहले सपोर्ट की बात करें तो 57 रुपीज एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, यानी कि यहाँ से 1 रुपए नीचे अगर 57 का लेवल नीचे की तरफ स्टॉक तोड़ता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से 53-54 की रेंज में इसको जो है एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 53-54 एक बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट है, क्योंकि वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 1-2 महीने तक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं 53 रुपए से 57 रुपए एक रेंज है जहां पे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और 60 रुपए लेवल पार होने के बाद आपको इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।